नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से आई बाढ़ में जान गंवाने वाले सीमा सड़क संगठन के BRO 23 वर्षीय राहुल की अस्थियां लखीसराय पहुंचने पर पूरा इलाका गमगीन हो गया। गुरुवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ राहुल को अंतिम विदाई दी गई। शहर के KSS कॉलेज से उनके पैतृक गाँव रामपुर तक अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अस्थि कलश यात्रा रामपुर गांव पहुंचने पर राहुल को श्रद्धांजलि देने जिले के जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरा इलाका गमगीन था, हजारों लोगों की आंखें नम थी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी की आंखें नम थी। उनके पिता बदहवास घर में पड़े हैं, कुछ बोलने पर आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मनाली स्थित लाहुल के तोजिंग नाले में 27 जुलाई की शाम को बादल फटने से आई बाढ़ में लखीसराय जिले के सुरगरा थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी रामानुज पांडे के इकलौते बेटे राहुल की मौत हो गई थी। लखीसराय जिले के सुरगरा थाना के रामपुर निवासी किसान पिता रामानुज पांडे एवं मां रेखा देवी पिछले 3.5 माह से अपने बेटे को लेकर असमंजस में थे। राहुल का शव अगस्त में ही मिल गया था। हालांकि सब के छत विछत होने के कारण पुलिस ने DNA जांच की बात कर सब परिजनों को नहीं दिया था और दाह संस्कार कर अस्थियां रख ली थी। DNA की जब जांच हुई तब जाकर कन्फर्म हुआ कि यह सब राहुल का ही है। आपको बता दें कि राहुल अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। 23 वर्षीय राहुल 12 अप्रैल 2021 को BRO का हिस्सा बन गया था। ये तस्वीर आप रामपुर गाँव की देख रहे हैं, रामपुर के ये मध्य विद्यालय की ये तस्वीर है। हजारों लोग इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए हैं और इसी स्कूल में राहुल को भावभीन श्रद्धांजलि दी जा रही है। हिम्मत रखिए, क्या करिए, प्रयास करते हैं, नहीं। आपका बेटा शहीद हुआ है देश के लिए। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए शहीद हो गया और लड़का रहता है। शहीद हो गया है, 22 लोगों का जान बचाते हुए, तो फक्र की बात है। दुख की बात यह है कि हम अपना एक बेटा खो दिए, जिसकी भरपाई हम हमारे देश करेंगे हमसे। और हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि हम खुद एक फौजी हैं, बाहर रहने वाले, हमारे परिवार के साथ कंधे से कंधे मिला कर के खड़ा रहें। राहुल पांडे एक JEE पद पर होते हुए उस इलाके का वो इंचार्ज था जहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी। इसको पता चला कि स्लाइडिंग हुआ है तो चाहता तो लेबर को भेज करके या जवान को भेज के साफ करवा सकता था, लेकिन उनके कमानी को सर भी हमको बताया कि इतना जुझारू आदमी था कि वो खुद अपनी गाड़ी में नहीं बैठ करके JCB में खुद बैठ के चला गया और स्लाइडिंग को पूरा फिनिश करके वापस आ रहा था। तो तोजिंग नाला के पास उसने देखा कि नाला का पानी पूरी स्पीड में बढ़ते जा रहा है और किनारे रात के 7:45 बज रहा था, लोगों को पता नहीं चल रहा था, कुछ लेबर टाइप के लोग वहाँ पर सो रहे थे। उसने वहाँ गाड़ी रोका और जल्द जल्द सबको निकाला। वहाँ से निकालने के बीच में का एक बादल फटा जो कि करीब 22 से 24 फीट का मलबा लेकर के आया और उसके 4 साथियों के साथ उसको JCB के साथ बहाते हुए नीचे करीब 700 मीटर खाई में चंद्रभागा नदी है जिसकी डेड बॉडी हमने 11 दिन के बाद हमको मिला। सबने हमको बहुत मदद किया और लिहाजा फॉरेंसिक जांच के बाद अभी हमको बॉडी मिली और जाके उसकी अस्थियाँ को हम वापस ला पाए। DNA टेस्ट करवाए? हाँ, DNA टेस्ट करवाए और जहाँ तक हमको ऑफिशियल नहीं नॉन ऑफिशियल मालूम पड़ा है कि सरकार ने उत्तम पदक उसका सेंसन हो चुका है, शौर्य चक्र के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री में उसका गया हुआ है और पूरी आशा है कि उसे शौर्य चक्र मिलेगा जो कि हमारे देश के साथ साथ हमारे रामपुर गांव का नाम रोशन किया है। हमारे पूरे गांव में घर घर फौज, आर्मी, CRPF, PSF, हर एक सेना है हमारे गांव में, वो चाहे अर्धसैनिक बल हो या सैनिक हो। ये पहला
शहीद होने वाला हमारा राहुल है, जो कि स्वर्ण चक और उत्तम पदक से ला करके गोविंद बाबा की नगरी रामपुर को रोशन कर रहा है। इससे हमको बहुत फख्र है। कौन कौन थे परिवार में इनके? इनके परिवार में इनके पिता रामानुज पांडे, ये घर का अकेला भाई है।